हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। आज हम आपके साथ क्लास सिक्स की जो एनसीईआरटी है, जिस जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी की मुहिम स्टार्ट की थी, हमने लास्ट पार्ट में देखा था पहला चैप्टर, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। उसके तहत जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जो मेन उसके तहत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, या तो जो जो बातें समझने लायक होंगी उसको समझाते हुए हम आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो और साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ शुरू में ही कि आपको वीडियो की लास्ट में जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में 10 से 12 पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू में आप समझने पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि लिखने पे। आपको लास्ट में हम सारे पॉइंट प्रोवाइड करा देंगे, उसके पश्चात आप समझने के पश्चात आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो वीडियो जब मैं पूरा का पूरा टॉपिक समझा दूंगा उसके पश्चात लास्ट में वो पॉइंट्स चलेंगे, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर है क्या, सेकंड चैप्टर की आज हमें डिस्कस करना है। आज का चैप्टर है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसके तहत हम लोग ये समझेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, उनका यूज क्या है, किस तरीके से हम वो सारी चीजें होती हैं। तो उसके तहत मैंने सारी चीजें मार्क कर रखी हुई आपसे, चलिए हम डिस्कस लेते हैं। 15 मिनट के अंदर हम लोग सारी बातें कर लेते हैं। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली बात कर ली थी कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो इस तरीके से उसको हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, आपको दिखा देता हूँ एक बार रिव्यू करा देता हूँ कि उसको भू आप बोला गया था। तो इसी से रिलेटेड सारी चीजें आज हमें बात करनी है। अगला चैप्टर हमारा पृथ्वी को हम किस पार्ट में, अक्षांश और देशांतर में बांटते हैं। तो पृथ्वी जो थोड़ी सी चपटी हुई है अपने कॉर्नर पे, ध्रुवों पे, उसकी वजह से उसे भू आप कहा जाता है और वो पूरी तरीके से ना ही गोल है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप किसी ग्लोब को या किसी चीज को बीच में ऐसे, अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बना रखा हुआ है, फिर भी मैं एक चीज बना देता हूं कि अगर आप एग्जैक्टली पृथ्वी को अगर देखेंगे तो वो एक अक्ष पे झुकी हुई है, एग्जैक्ट इस तरीके से, ओके? तो वो एग्जैक्ट 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। तो इतनी सी चीज अभी समझना है हमें आपको कि वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, उसे हम अक्ष कहते हैं। यानी एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी अगर आप कोई चीज लें, बॉल लें, उसमें आप एक 23.5 डिग्री एंगल पर एक सुई उस पर डालें, तो वो उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में उस एंगल पे झुकी हुई है और उसी एंगल में झुके हुए वो सूरज के चक्कर लगाती है। तो एक हमने वहां पे जो एक तिरछी हमने सुई डाली है, तो उसे एक तरीके से काल्पनिक रेखा मान लें, क्योंकि वहां पे वो किसी सुई में या किसी ग्लोब में तो अटकी नहीं हुई है, क्योंकि ग्लोब में तो दिखता है कि यहाँ पे एक हमने पैरेलल एकदम से 23.5 डिग्री झुकाकर एक ग्लोब बनाया हुआ है, बट वो तो यूनिवर्स में टंगी हुई है। तो उसकी वजह से एक काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री पे वो झुकी हुई है। साथ ही साथ एक और काल्पनिक रेखा है जिसकी वजह से हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश क्या है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को दो एग्जैक्ट बराबर भागों में बांटना, यानी आप एक तरीके से एक बॉल लें, उसको एग्जैक्ट बीच से आप काट दें, तो जो वो रेखा बनेगी, वो काल्पनिक एक रेखा जो बनेगी, वही विषुवत रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी वो काल्पनिक रेखा जो विषुवत वृत्त हम मानते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसके उत्तर में जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, तथा ये दोनों, और जो दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति एक समानांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने क्या किया, विषुवत वृत्त हमने यहाँ पे बना लिया है, उसके पश्चात उसी के जस्ट पैरेलल हम लोग रेखा जो खींचते हैं उसे अक्षांश बोला जाता है। यानी विषुवत वृत्त से लेकर अक्षांश यानी ध्रुव तक खींची गई रेखा को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा अक्षांश कैसे हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर में बढ़ जाएगा। उसी के बाद हम देशांतर भी देखेंगे। तो अभी अक्षांश यहाँ पे समझने वाली चीज है कि अक्षांश में जो जोन बांटा गया है, जिसे कटिबंध हिंदी में बोला जाता है, उनके नाम क्या हैं, वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश पर है, तो यहाँ 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, और 0 डिग्री के ऊपर हम डिग्री बढ़ाते हुए चले
तो वो उत्तरी अक्षांश पूर्वी है और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में इस तरीके से हमने बांट रखा है। तो ऊपर के, जैसे हमने बताया कि उत्तरी, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में आप देख सकते हैं ये उत्तर हो गया और ये इसके नीचे दक्षिण हो गया। तो जितनी रेखाएं उत्तर में हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अक्षांश यानी दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश को बांट रखा हुआ है, हमें इससे स्थिति का पता चलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे दिया गया है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राजील के बेलो होरिजोंटे दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है चंद्रपुर, जो हमारा महाराष्ट्र का है, और ब्राजील का जो ये जगह है ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो इस तरीके से उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का हमें महत्व तो यहां से पता चलता है। अक्षांश सेम है बट स्थान अलग अलग इस वजह से है क्योंकि वो उत्तरी अक्षांश में और ये दक्षिणी अक्षांश में। तो ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने मार्क किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा एज मिलता है, बेटर तरीके से हम प्रिपरेशन में हम अच्छे मार्क्स कर पाते हैं। तो इस वजह से एग्जाम्पल यहाँ के देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। देख लेते हैं कि किस तरीके से अक्षांश के जोन को किस तरीके से बांटा गया है, कितने भागों में क्या इसको कहा जाता है मेनली, तो वो भी समझ लेते हैं हम। आप देख सकते हैं इस चीज को आसानी से। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश जैसे कि मैंने बोला, और 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और झुके होने की वजह से सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे, और जब सूरज का वो चक्कर लगाती है तो एक समय पे वो कर्क रेखा पे पहुंच जाती है सूरज की सीधी किरणें, और एक समय पे जब वो पूरब की साइड पे होती है तो मकर रेखा पे पहुंच जाती है, जिसे दक्षिणायन या उत्तरायन कहा जाता है। तो दक्षिणायन के दौरान उसकी सीधी रेखा, सीधी सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं, और उत्तरायण के दौरान उसकी सीधी रेखा कर्क रेखा पे पड़ती हैं। तो इसी वजह से कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री पे है। आप देख सकते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप समझ पाए होंगे। 0 डिग्री के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। साथ ही साथ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो इनके बीच के भाग को जोन कहते हैं, आप यहां पे समझ लें इंग्लिश में, और कटिबंध कहते हैं हिंदी में। ओके, तो जो ये जोन है उनके नाम भी दिए गए हैं। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के कटिबंध को उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बातें समझ लें कि इनके जोन का नाम क्या है। एग्जाम में कभी कभी जोन ही केवल नाम पूछ लेता है। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जोन को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव के बीच को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए तो इस तरीके से आप चीजें समझ पाएंगे। तो इतने भागों में उत्तरी अक्षांश की वजह से जोन को बांटा गया है। साथ ही साथ देख लेते हैं हम थोड़ा सा पृथ्वी के ताप कटिबंध किस तरीके से ये बांटे गए। जैसा मैंने बोला कि क्यों उन्हें उष्ण कटिबंध कहा जा रहा है, क्यों शीतोष्ण कटिबंध कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, याद रखें सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर्फ के ठीक ऊपर होता है। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हमने देखा यहाँ पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एंड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पूरे वर्ष में एक बार सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका इस कटिबंध का नाम उष्णकटिबंध रखा गया। तो आपको कारण सुस्पष्ट हो चुका होगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ
सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आपके लिए बना रखा हुआ है कि देखिए होता क्या है कि हमारी जैसे 23-23.5 डिग्री अक्षांश पे जो ये झुकी हुई है पृथ्वी, उसकी वजह से क्या होगा, आप देख सकते हैं ये अभी हमने बना रखा है दक्षिणायन का, दक्षिणायन कहा जाता है, ठीक है। तो यानी इस समय आप देख सकते हैं यहां पे कहीं पे एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं, एग्जैक्टली यहां पे कहीं पे आपकी मकर रेखा होगी और यहां पे कहीं पे आपकी कर्क रेखा होगी। तो आप देख सकते हैं कि मकर रेखा पे सूरज की किरणें सीधी पहुंच जा रही है और जल्दी पहुंच जा रही है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल में किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है और किसमें कम टाइम लग रहा है। यू कैन सी हियर कि उसके डिस्टेंस में कम टाइम लगेगा और इसके डिस्टेंस में अधिक टाइम लग रहा है। तो ज्यादा दूरी डिस्टेंस सूरज की किरणें तय अगर करेंगी तो सीधी सी बात है यहां पे ऊष्मा कम मिलेगी और यहां पे अधिक मिलेगी। यही चीज जब आप सब इमेजिन करें, जब सूरज इधर साइड पे होगा तो इस वाले रेखा पे अधिक सूरज की किरणें मिलेंगी और इधर वाले में कम मिलने लगेंगी, ये दूर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार पिक्चर आपको दिखाई देता हूँ, शायद आप इमेजिन कर पाए। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, तो इसे दक्षिणायन की बजाय उत्तरायण बोलने लगते हैं। और जब सूरज के ऊपर साइड पे अगर पृथ्वी होगी तब आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय इक्वेटर पे सीधी रेखा पड़ेगी, यानी सीधी रेखा का मतलब ही होता है कि वहां पे सूरज की किरणें जल्दी पहुंचेंगी। तो इस तरीके से जब सूरज की किरणें ज्यादा ट्रेवल करके आती हैं तो जो वायुमंडल में धूल कण बादल होते हैं तो उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। इस वजह से उस पर्टिकुलर रेखा पे सूरज की किरणें कम पहुंचती हैं, ऊष्मा कम मात्रा में पहुंचती है, उस वजह से वहां का टेम्परेचर अधिक नहीं हो पाता और यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, क्योंकि इन्हें कम ट्रेवल करके यहां तक पहुंचना होता है। इस वजह से उसका नाम सूरज की किरणें तिरछी और सूरज की किरणें सीधी, इस वजह से इसका इस तरीके से बोलना शुरू कर लिया गया। तो आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वहां यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं। कि तिरछी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कहीं सूरज छोटा तो नहीं हो गया, सूरज बहुत बड़ा है, अभी उसकी स्थिति वही है, लेकिन तिरछी होने का मतलब यह है कि वो ट्रैवल अधिक करती हैं। अगर आपने प्रकीर्णन टाइप का कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई किरणें चलती हैं तो वो एक वृत्ताकार आकार ले लेती हैं, क्योंकि उनका बार बार टकराव होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अगर वो जाती हैं तो वो धीरे धीरे करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त वो अभिलंब की तरफ झुकती हुई चलती हैं। उस वजह से क्या होगा, जितनी ज्यादा वो ट्रेवल करेंगी उनका आकार उतना वृत्ताकार होता चला जाएगा। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं हम लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे इतनी सी सिर्फ समझने वाली डिस्टेंस की बात है। तो आप समझ लें कि किरणें तिरछी होती जाती, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। तो जो मैंने पीछे बताया, इस वजह से उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो वहां पे सूरज की किरणें कितनी ज्यादा तिरछी हो जाएंगी, उसकी वजह से बहुत कम ऊष्मा उसे मिलेगी, उस वजह से इस कटिबंध को शीत कटिबंध कहा जाता है। तो आई होप आपको कटिबंध समझ में आ गया होगा कि कटिबंध के तहत हमें क्या क्या बातें समझनी थी। तो थोड़ा सा हम लोग अब देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देशांतर के बारे में देख लेते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अक्षांश के बारे में पता चल गया, यानी पैरेलल रेखाओं के बारे में तो पता चल गया, बट अगर लंबवत रेखा के बारे में भी पता चल जाए तो उसकी पर्टिकुलर कटान बिंदु को, यानी अगर आपने लिख दिया किसी चीज को कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश और साथ ही साथ आपने लिख दिया 55 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये देशांतर 55 और 22 दोनों, यानी ये अक्षांश हमने बना लिया और ये हमने 55 डिग्री देशांतर बना लिया, तो उसके पर्टिकुलर एक ही दो रेखाओं जब एक दूसरे को लंबवत काटती तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है, आपको ये पता होगा, तो वो बिंदु पर्टिकुलर है इसका एड्रेस। तो किसी स्थान की पोजीशन जानने के लिए इस तरीके से हम दो चीजें बांधते हैं। आप हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर देखते होंगे, किस तरीके से नेवी वेवी भी इसका बहुत ज्यादा यूज करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि देशांतर का मेनली क्या यूज है। पहला हमने एग्जांपल बात ही कर ली, तो
प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महत्व, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? टोंगा द्वीप, आपको इतनी सी बात पता चल जानी चाहिए। तथा हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अक्षांश एक पैरलर चल रहा है और उस पैरलर रेखा पर दो द्वीप पड़ रहे हैं, बट कौन सा द्वीप कहाँ पे स्थित है उसकी पर्टिकुलर स्थिति जानने के लिए हमें एक लंबवत रेखा के बारे में भी पता होना चाहिए, उसी लंबवत रेखा को देशांतर कहते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे यामोत्तर के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया कि ये सारी चीजें क्या है। उसके पश्चात ये देख लेते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्योंकि एक ही बिंदु से सारी रेखाएं निकल रही हैं तो उनके बीच की जो दूरी है आप देख सकते हैं धीरे धीरे तो आप देख सकते हैं कि इधर से इधर की ओर जाने पे इसकी दूरी में जो कमी आ रही है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। दो देशांतर के बीच की दूरी धीरे धीरे करके डिस्टेंस बीच में घटती जा रही है और एक ही बिंदु पे मिल रही है तो वहां पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर वो सारी यामोत्तर या रेखाएं या तो उत्तरी ध्रुव पे मिलती हैं या तो दक्षिणी ध्रुव पे मिलती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सारी यामोत्तर रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो आप टिक करेंगे दोनों ऑप्शन सही है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है तो आप पहला दूसरा या जिसमें ऑप्शन में हो तो दोनों को आप टिक करेंगे। साथ ही साथ यामोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी जीरो कहाँ पे होती है, तो आप सीधा सीधा टिक करेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। ग्रीनिच एक ऐसी लाइन बनाई गई है जो कि कहीं ना कहीं से हमें तो एक बेस लेना पड़ेगा ना कि कहीं से कहां से हम उत्तर की ओर देखेंगे कहां से हम दक्षिण की ओर देखेंगे। तो सारे जो भूगोल वेत्ता थे उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि कई देशों के साथ कई देशों ने यह निर्णय लिया कि ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, इसका मान जीरो देशांतर है तथा यहां से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक की गणना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रमुख यामोत्तर हो गई और प्रमुख यामोत्तर के पूर्व की तरफ पूर्व देशांतर बोला जाता है और पश्चिम की तरफ पश्चिम देशांतर बोला जाता है। ठीक है, तो जीरो देशांतर तथा 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये यहां पे आकर मिल जाएंगी तो दोनों 180 पूर्व देशांतर 180 पश्चिम देशांतर दोनों ही एक ही लाइन बनाएंगी। ये नहीं कि दोनों अलग अलग लाइन है, एक ही लाइन पे दोनों आकर मिल जाएंगी। तो 180 पूर्व देशांतर और 180 पश्चिम देशांतर एक ही देशांतर है, तो याद रखें इस चीज को। इसलिए किसी भी स्थान पर देशांतर आगे पूर्व के अक्षर पूर्व तथा 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये बात कभी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यामोत्तर और जो हमारे देशांतर है और देशांतर और जो अक्षांश है दोनों के कटान के बाद जो ये बॉक्स बनता है, आप देख सकते हैं कि ऐसे एक पैरेलल जा रही है एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो किस तरीके से उनके बीच में एक बॉक्स बन रहा है, तो उस बॉक्स को ग्रिड कहा जाता है। यू कैन सी हियर, उस बॉक्स को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि अक्षांश के बीच के एरिया को कटिबंध कहते हैं और देशांतर के बीच के मतलब कटिबंध कहते हैं हमारा उसको अक्षांश के बीच को, और देशांतर के बीच के एरिया को यानी ये वाला एरिया को, यहां पे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट आप देख लें, GORE गोर कहा जाता है। ओके, और दोनों के एरिया को यानी जो एक ब्रैकेट बनेगा उसे ग्रिड कहते हैं। ठीक है,
असम में मैंने जैसा कि ऑलरेडी बोला था कि आपको इसके एग्जाम्पल्स जरूर देखते हुए चलना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया, असम में डुबरी 26 उत्तरी अक्षांश एवं 90 पूर्व देशांतर पर स्थित है, या उस बिंदु को देखे जाने से यहाँ इन रेखाओं को काटती है, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन हर स्थान का पूरे वर्ल्ड में बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होता है। तो आप ये चीज समझ लें कि जिस देशांतर पर, जिस भी देशांतर की बात की जाए, तो जिस भी देशांतर पर सूरज एकदम ऊपर आकाश पे होगा, एकदम सीधे होगा, उस देशांतर पर पर्टिकुलर उस समय दोपहर माना जाता है, एग्जैक्ट दोपहर का 12 बजे। तो इस वजह से डिसाइड किया जाता है। और जैसे जैसे सूरज हमारा आता जाता है, जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो सूरज हमारा पूर्व से उदय होकर पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है। तो पूरी की पूरी पृथ्वी किस तरीके से नाच जाती है, तो उसकी वजह से सूरज की जो शिफ्टिंग हो रही होती है, तो हर जगह धीरे धीरे करके सारे देशांतर पे दोपहर आ रहा होता है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है कि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो आप, मैं एक चीज दिखा देना चाहता हूं। मान लेते हैं ये सन है और पृथ्वी इस तरीके से मूवमेंट करेगी, यानी ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर मूवमेंट कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि सूरज हमारा, मैंने यहां पे पिक्चर बना रखा हुआ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर मूवमेंट कर रही है, तो सूरज हमारा इस तरीके से निकलेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, अतः वो स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। तो आपको पता है कि उसके पूर्व में, यानी यदि हम इसके एग्जैक्ट बीच में एक रेखा खींच दें, तो वी कैन सी हियर, मैं एक चीज बना ही देता हूं कि अर्थ का ये प्रमुख यामोत्तर की बात अगर की जाए, तो इधर हम मानते हैं पूर्व और ये हमारा पश्चिम। तो सूरज अगर इधर से निकल रहा है, तो आपको पता है कि इस वाले एरिया में पहले प्रकाश पड़ेगा और धीरे धीरे करके ये फिर शिफ्ट होता चलेगा इस तरीके से। तो प्रमुख जो यामोत्तर होता है, उसके पूरब में पहले प्रकाश आएगा और फिर धीरे धीरे करके पश्चिम में आएगा। तो आपको यहां पे वही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की गई है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, अतः वो स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा पश्चिम में है उसका समय ग्रीनिच समय से पीछे होगा। तो हमारा भारत ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत का देशांतर आपको पता होगा 82.5, हम लोग उसको मानते हैं 82.5। तो आगे उसी बारे में बात करना है। मैंने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली चीजें बता रखी हैं कि ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा होता है कई सारे एग्जाम में कि 4 मिनट में कितने डिग्री सूरज की रोशनी शिफ्ट होती है, या 4 डिग्री के मतलब किस तरीके से। तो 24 घंटे में आपको पता है पूरा की पूरी पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही होगी, तो 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। तो आपको, तो 5.5 घंटे में वो किस देशांतर पे होगी, या इस देशांतर पे कितने बजे क्या बज रहे होंगे, अगर प्रमुख यामोत्तर पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आपको यहां से इस मेथड से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अक्सर पूछ लेता है कि 55 डिग्री पूर्व देशांतर पे उस समय क्या बज रहा होगा, यदि प्रमुख लाइन पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो आपको इस तरीके से बताना है, क्योंकि अगर बोल रहे हैं पूर्व, तो पूर्व का मतलब ही हो गया कि दोपहर के 12 अगर वहां पे बज रहे हैं, तो यहाँ पे कब शाम के कुछ बज रहे होंगे। जैसे कि अगर बात की जाए, तो दोपहर के 12 अगर हमारे ग्रीनिच यानी प्रमुख लाइन पे दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तो भारत पे उस वक्त 5.5 बज रहे होते हैं शाम के। ठीक है, और इधर साइड उसी तरीके से पश्चिम में पिछले दिन का रात अभी चालू हो रही होगी या सुबह चालू हो रही होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको आने लगेगा। यहाँ पे इंडिया का बताया भी गया है किस तरीके से। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे यानी 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है अप्रॉक्स। यानी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे और यहाँ के दोनों की बात की जाए, तो इन दोनों के देशांतर में एग्जैक्ट 1 आवर 45 मिनट, लगभग इतने मिनट का अंतर होता है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो आप समझ सकते हैं, इसी वजह से हमने एग्जैक्ट बीचों बीच में 82 पूर्व पे हमने अपनी
जो समय लाइन है उसको निर्धारित किया है। इसलिए आवश्यक कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 यानी 82° 30' पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही साथ कुछ चीजें और यहाँ पे जानने लिए जरूरी है कि भारत ग्रीनिश से पूर्व यानी 82° 30' पूर्व में स्थित है, अतः यह समय ग्रीनिश समय से 5 घंटा 30' आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो शाम के यहाँ 7:30 यानी 5.5 घंटे आप प्लस कर दें तो शाम हो जाएगी, क्योंकि हम पूरब पे हैं, भारत पूरब पे है, तो इस वजह से पहले यहाँ पे दिन निकलता है और पहले यहाँ पे रात होती है। ठीक है, तो कुछ देश इतने क्षेत्रफल यानी इतने देशांतर पर विस्तारित है, जैसे अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, तो ये इतने ज्यादा देशांतर पर विस्तारित होते हैं कि उनके लिए एक समय लाइन बनाना, मानक रेखा, कहीं ना कहीं एक समय की मानक रेखा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से बांट दिया गया उसे कई, तो देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने की वजह से रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और वहीं यूएसए में 7 मानक समय 7 अलग अलग, जैसे यहां पे हमने भारत में एक केवल मानक समय बांटा गया, उस तरीके से रूस में वहां पे टोटल 11 अलग अलग समय मानक माने गए, वहीं यूएसए में 7 अलग अलग माने गए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो ये था दूसरा चैप्टर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर की बात करेंगे और थर्ड चैप्टर के तहत हम लोग बात करेंगे, मैं दिखा देता हूं, हम लोग थर्ड में पृथ्वी की जो गतियां हैं, किस तरीके से पृथ्वी गति करती, उससे कैसे दिन रात में परिवर्तन होता है, कैसे मौसम में चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, इसी तरीके से मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप मैसेज जरूर करें, आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बनता है और हमें ये समझ में आता है, हमें पता चलता है कि हाँ इस वीडियो की नीड है, किसकी अदर वीडियो की नीड है। तो आपकी मैसेजेस जिस वीडियो पे जिस तरीके के आ रहे होते हैं हम वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, मैसेज जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट एंड ऑल दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।